नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल टेक्निकल गुरु भाई में। दोस्तों मेरा नाम परमेश है और मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप अगर मलेशिया में है तो अपना मोबाइल का जो क्रेडिट होता है या यू मोबाइल हो गया या फिर डीजी सिम कार्ड हो गया दोस्तों, उससे आप कैसे जो क्रेडिट होता है आप कैसे अपना फैमिली मेम्बर के मोबाइल में भेज सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश या फिर इंडिया, कहीं भी आप भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अपना मोबाइल में लाइव करके दिखाऊंगा कि आप अपना जो मोबाइल का क्रेडिट हो रहा है दोस्तों, तो आप कैसे नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर इंडिया भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपना मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। मैं आपको बताने के लिए मैं अपना यू मोबाइल सिम कार्ड यूज करूँगा दोस्तों। डीजी का सिम कार्ड में मेरा क्रेडिट नहीं है और डीजी का सिम कार्ड से आप कैसे भेजेंगे पैसे वह मैं दूसरा वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूँ। डायल पैड खोल लीजिए और 118 जो यू मोबाइल का बैलेंस चेक करने का मेनू होता है 118 एच, आप यहां से आप नेक्स्ट में जाइए 99। अब यहां पर देखिए नंबर 3 का ऑप्शन जहां पर लिखा है इंटरनेट और सर्विस, आप नंबर 3 क्लिक कीजिए। नंबर 3 पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट ब्लैकबेरी इंटरनेशनल एयर टाइम ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, आप सिंपल इंटरनेशनल एयर टाइम ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिए दोस्तों। नंबर 3 क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिनी, चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, इतना 12 देश में आप पैसा पठा सकते हैं दोस्तों अपना मोबाइल का जो क्रेडिट होता है दोस्तों। ज़्यादातर मलेशिया में टेलीफोन में बात होता नहीं दोस्तों, ईमो फेसबुक में बात करते हैं। आपका जो मोबाइल का बैलेंस होता है, क्रेडिट हो रहा है, वो बेकार ही चला जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं अपना दोस्त लोगों नेपाल या इंडिया या फिर अपना फैमिली मेम्बर का भेज सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सिंपल नेपाल का फॉर एग्जाम्पल दिखाऊँगा। आपको दूसरा देश पठाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 5 नंबर में नेपाल है, मैं सेंड दबाऊँगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर मांगता है आपको। देखिए इजी फॉर एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है यह नंबर, तो मैं सिंपल नंबर दे देता हूँ। नंबर देख के सेंड कर दिया दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप कितना पठाना चाहते हैं रिंगिट। नेपाल का जो 50 रुपया है, 50 रुपये पढ़ाएंगे तो आपको 4 रिंगिट यहाँ पर कटेगा। 100 रुपया पठाना चाहते हैं तो आपको 7 रिंगिट करेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 रिंगिट भेज के मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जितना पठाना है उतना अपना मोबाइल का क्रेडिट अनुसार पठा सकते दोस्तों। तो मैं नंबर 1 खींचूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है आप 50 रिंगिट नेपाल का 50 रुपया पठा रहा है, इतना मोबाइल नंबर है, कंटिन्यू। एक दबाइए, एक दबा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैसेज आ गया, योर ट्रांजेक्शन इज एक्सेप्टेड, प्लीज़ वेट फॉर द SMS इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर SMS भी आ गया है दोस्तों, ये बता रहा है कि जो पैसा जो है उधर नेपाल में चला गया दोस्तों, वो मोबाइल में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ टेक्निकल गुरु भाई चैनल में और इंतज़ार कीजिए दूसरा वीडियो का। धन्यवाद।